and they will be a family and they will be helpful to us whenever the introduction हमारी इस organization का जिसके launch के लिए हम आज सब इकट्ठा हुए हैं Voice of City, an NGO of the people, by the people and for the people. ये हमने इसलिए start किया है, एक initiative लिया है और ये तभी जो मीडिया इस्तेमाल करना चाहते हैं जैसे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम कुछ लोग जो टैग करते हैं गवर्नमेंट लोकल बॉडीज को अथॉरिटीज को और उनकी नजर में लाते हैं और कभी कभी वो इश्यूज सॉल्व भी हो जाते हैं इंस्टेंटली और कभी कभी वो महीनों सालों तक पड़े रहते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है जैसे आप हर लोग एक एक इलाके से हैं हमारा ऑब्जेक्टिव ये है किसी भी बिल्डिंग में किसी भी सोसाइटी में कोई भी इशू है हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें हमारी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करना है कि हम लोग पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और हमारी सोसाइटी में हमारे सोसाइटी के आसपास में ये इशू है कुछ इसे आप पोस्ट कर सकते हैं हमारा यानी हमारा मतलब हम सबका ये काम रहेगा We as an organization will be a mediator between the public at large and the local body authorities. इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें कोई पार्टीज को इन्वॉल्व नहीं करना है हमने ना किया है ना हम करेंगे ये एब्सोल्युटली पब्लिक प्लेटफॉर्म है लोगों के लिए बना है That's the reason of the people, by the people, for the people. हमारी एक एक की जिम्मेदारी रहेगी हमें ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व करना है ना हमें किसी पॉलिटिशियन की बुराई करनी है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी पॉलिटिकल पर्सन की बुराई नहीं करनी है ना हमें किसी के ऊपर मत के हम ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे हमारा काम यही रहेगा कि अगर कोई भी इशू है हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको पोस्ट करना है वी एज ए एक्टिव मेंबर्स वी विल इमीडिएटली पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया और आप सबका क्या रहेगा उसमें योगदान सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये रहेगा कि अगर फाल्गुनी ने कुछ पोस्ट किया है कोई इशू आपको उसे रीपोस्ट करना है कमेंट करना है नेगेटिव कमेंट्स कोई नहीं करेगा पॉजिटिवली हमें लेना है हमें हमें हम्बल रिक्वेस्ट करनी है अथॉरिटीज से दैट वी पर्टिकुलर सिटीजंस वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू डू द नीडफुल एट द अर्लीस्ट ना हमें किसी के बारे में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है ना हमें ये दिखाना है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे हम तोड़फोड़ कर देंगे हमें नॉन वायलेंस तरीके से इवन सोशल मीडिया पे नॉन वायलेंट रहना है मैं नॉन वायलेंट वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि आजकल आम लोगों के बीच में वायलेंस कम होता है सोशल मीडिया पे बहुत वायलेंस होता है इसको गाली बको इसको डिफेम करो इसकी इज्जत उतारो एमएलए को ये बोलो हमें वो सब नहीं करना दे हैव ऑन एजेंडा एन इंटरएक्टिव सेशन विद यू ऑल Firstly, I would like to congratulate Advocate Falguni and the team for the new venture that they have started, Voice of City. I think let us have an interactive session. Let us take the opinion and suggestion of different stalwarts who have been working in a different field and especially in social organizations. Because it's very important that when any new venture is started, what is the expectation of people? What do they expect from this new venture? And what would be their role and what would be their contribution. And I think I can assure you, Falguni, with my association and my association with an educational institution, and I being the head of the institution for last 40 years, I can assure you, I have a group of nearly 7,000 to 8,000 ex-students, and I assure you that maximum students would be a part of your organization if it is working in the interest of the people at large. And I can only assure you that I am always there whenever you need us for any social help, any social contribution towards the society. Firstly, I was telling Falguni when she was interacting with me, it's very important as she said that it is going to be of the people, by the people, for the people. I understand this is a very democratic venture that they have started. Very important is that take everybody's opinion into consideration, everybody's opinion matters and everybody's opinion should be respected. At the same time, even individual suggestions, when we speak about individual suggestions,
It is not necessary that you take up civic issues, social issues or legal issues. Many a time it happens that many a times people are in distress. And when a person, even an individual, when he is in distress, like I would give you an example. If he needs a blood bottle to save a life or he has to be admitted in a particular hospital, your agency should be rendering all help and support to them at all times. Now when you have a group of 3,000, 4,000 people, which I understand would join your movement in a given time, there would be certain people with resources, with contacts. Please ask them. Suppose I say I need a blood bottle with A, O negative, O positive or any other blood group. Immediately somebody from your organization would be connected with a hospital. He would immediately come forward and tell you on the group that yes, I am ready to help you. In this similar way, Mr. Bhan with his vast contact or Madam Avni with her vast contact and immediately come on the group and say I would render help and support. So from any quarters that you get help and support, and your such members should be appreciated, so that gives them a moral boost to work in the interest of the people. I wish you all the best, and let us start with the interactive session so you gather more information and it gives you a lot of moral strength to work in the interest of the people. Thank you for giving me this opportunity to speak. Thank you and God bless you. Thank you, sir. First of all, I'm so obliged and I'm so happy to be here. We all are here to join our hands for this beautiful and goodwill initiative to help people, for the people, by the people and of the people. I really love this tagline. So, all I want to say, and first of all I would like to congratulate Falguni ji, her team and all the members present here for the wonderful task they are starting today. Voice of City, it's a very wonderful thing that's happening for all the citizens of Mumbai. Myself, I am Lion Amarjit Gumbar. I am associated with Lions Club International since last 30 years. And I'm also a secretary of my society since last 20 years. It's in Oshiwara. And I'm also a founder member of LOCA, which is Lokhandwala Oshiwara Citizens Association. So like Falguni ji said, ki social media jo hai, wo sabse acha platform hai hamari grievances batane ka logon ke liye. Main aapko batati hu, pichle hum 7-8 saal se LOCA chala rahe hain. लेकिन लोका इज ओनली कंसर्न अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड लोखंडवाला एंड ओशिवारा, नॉट ऑल ओवर मुंबई. सो सोशल मीडिया पे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, हमारा एक पेज है, ट्विटर हैंडल है हमारा, ये इंस्टाग्राम पे है, हमारा फेसबुक पे है. स्टेइंग इन मॉडर्न टाउन, आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर एंड आई हैव डन मेनी कोर्सेस लाइक काउंसलिंग. And I was teaching in St. Louis Convent School where Anil Saab used to come, I remember. And I have handled 3,000 children every year, teaching them yoga and meditation techniques because children have forgotten the values. So main thing is I feel our body should be very fit, then only we can work. A lot of NGOs like Be Happy, Punjabi Samaj, Mumbai Punjabi Association have done a lot of social work, but since the time I have met Ajay sir, hats off to him, the kind of work he does, I have become his disciple. And like Voice of Sethi, started by Falguni ma'am, it's like it's going to be one of the hit, and I devote myself to you. Wherever you need me, I'll be there. And that's it. Thank you so much. Thank you. Have a nice evening, everyone. I stay in Lokhandwala and associated with Ajay sir for quite some time, about 2 years, and I've worked under him, so I know how he works. There's no need for any introduction or any thing about कोई conflict arise नहीं करेगी कि ना अधिकारियों के साथ लड़ना है. ये वो सिर्फ रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये इसको जल्द से जल्द उसका समाधान करें, क्योंकि ये लोगों की तकलीफें हैं और जो वॉइस ऑफ सिटी अपन कहते हैं ये लोगों की आवाज़ है. सर एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है, जब इतना बड़ा ग्रुप हो, मिलते रहेंगे और इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो
कितना भी सोशल मीडिया हो, मुझे एज टीचर लगता है जो वन टू वन इंटरेक्शन होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वन टू वन आप लोगों के हाव भाव समझ सकते हो, उनकी जो परेशानियाँ उसको समझ सकते हो। तो सोशल मीडिया के अलावा वो डेफिनेटली वन टू वन कॉन्टैक्ट रखेंगे। गेली 40 वर्ष झालं, तुम्ही अंधेरी विधानसभा असेल, वर्सा विधानसभा असेल, अनेक समस्यांना सामोरे गेलेले आहेत। आता एक समस्याचा डोंगर तुमच्या समोर येणार आहे, यावरती पूर्ण जी आपली टीम आहे ती कशी सामोरे जाते? बघा, सोशल मीडियाद्वारे वेगवेगळ्या प्रकारची लोक येतील ह्याचे, आणखी जसं आपण बघतो की जर सर्व पॉझिटिव्ह कामासाठी एकत्र आले, कारण बहुतेक सोशल मीडियाचा लोक गैरउपयोगसुद्धा करतात, पण मला वाटतं खरोखर ही जी स्थापना केली आहे व्हॉइस ऑफ मीडियाची, हे पॉझिटिव्ह काम करतील, आणखी याच्यावरती खरोखर पॉझिटिव्ह सुझाव येतील, आणखी याचा लोकांना परिणामसुद्धा भेटेल अशी मला अपेक्षा आहे। सर, किंवा आपण राजकीय पक्ष असं म्हणतो, जेव्हा आपण लोकांना निवडून आणतो तर त्यांना सर्वांना लोकांना हीच अपेक्षा असते की लोकांनी त्यांच्यासाठी कामं केली पाहिजे, आणखी ते सुद्धा त्यांनासुद्धा लोकांना उत्तर द्यायला लागतं की आम्ही कशी त्यांची कामं करतो। तर मला नाही वाटत की जे चांगलं कार्य करत असतील त्याचे ते काही प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतील, मला असं वाटतं की त्यांनी एकत्र येऊन लोकांची कामं केली पाहिजे, कारण त्यांनी कामं केली किंवा लोकांनी केली तर खरोखर फायदा लोकांचाच होणार आहे, तर याचे कुठे द्वेष किंवा लोकांना हे करण्याचा प्रश्नच येत नाही, लोकांनी एकत्र येऊन लोकांचं समाधान केलं पाहिजे। किस प्रकार से मतलब सहयोग रहेगा, वॉट एवर आई कैन हेल्प आई विल बी डेफिनेटली वर्क। मैं अपना काम के साथ साथ बहुत सारी ऐसी समस्याएं हमारे कान तक भी आती रहती है, छोटी छोटी लोगों की समस्याएं, फाइनेंशियली नॉट फिट एंड ट्रैवल इश्यूज, एम्बुलेंस नहीं मिलती उनको, जैसे कि सर ने मतलब आज वर्सोवा और सेवन बंगलो, इट्स अ वेरी बिग एरिया, बट आज सर ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि फायर ब्रिगेड नहीं है उनको यहाँ पर, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, लोगों से मिलने के बाद ज़्यादा पता चल रहा है। तो मेरे लिए भी मुझे ऐसे लग रहा है कि हर चीज़ें, छोटे से छोटा इशू इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द ट्रैफिक, आई थिंक दैट्स पार्ट ऑफ मुंबई एंड आई थिंक सो इट्स एवरीवेयर, इट्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स वेरी नॉर्मल। बट हर एक, जैसे कि इन्होंने सीनियर सिटीजन को लेके बोला, सोशल मीडिया को लेके बोला, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको मदद चाहिए लेकिन मिलती नहीं है, चाहे लीगल इश्यूज हो, चाहे पारिवारिक इशू हो, इन एनी काइंड ऑफ हेल्प दैट यू नीड, आई थिंक वॉइस ऑफ सिटी इज गोइंग टू हेल्प। कलाकारों की काफी समस्या आती है। नहीं, राखी सावंत के प्रॉब्लम के बाद वाकई में प्रॉब्लम सॉल्वर बन गया। काफी लोग मुझे पकड़ पकड़ के बोलते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर, देखो पॉसिबल नहीं हो पाता कई बार कि हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्योंकि सोशल मीडिया इतना वास हो गया है कि आप मेरे इनबॉक्स में जाएंगे तो डेली कम से कम 25 से 50 मैसेज आते हैं कि आपने राखी की मदद की, आपने इसकी मदद की, आपने उसकी मदद की, लेकिन हमारी मदद नहीं करते हैं, आपके सिर्फ टिक ब्लू टिक वालों की ही मदद करते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। इनिशिएटिव है जो सोशल, सिविक और लीगल इश्यूज पे काम करेगी। मेरे साथ डॉक्टर मोमिन बैठे जो हमारे टीम मेंबर है, मिसेस शांबा सुवर्णा जो एक्स एजुकेशनिस्ट रही है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी बिलोंग करती, हमने एक लाइक माइंडेड पीपल को साथ में, लोगों को लेके एक कोशिश की है कि हम लोगों तक पहुँचे, लोगों के प्रॉब्लम्स सॉल्व करें, वो किसी भी प्रकार के हो गए, हम यहाँ पे प्रोमिसज या अश्योरेंसेस देने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें आप लोगों को और जनता, जो लोग आज इतने लोग आए हैं और जो पब्लिक एट लार्ज है जिनके लिए हम कल खड़े रहेंगे, उनके इश्यूज सॉल्व करेंगे, उनको हमें करके दिखाना है। बोलने वाले तो बहुत बोलते हैं, करने वाले बहुत कम होते हैं, बट हमारा एम यही रहेगा, हम बोलेंगे कम करेंगे ज़्यादा, और आने वाले दिनों में आपको हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में धीरे धीरे हम बताते जाएंगे। कोशिश पूरी पूरी रहेगी, चाहे वो ड्रेनेज का मुद्दा हो, चाहे पॉटहोल्स का हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का सिविक, सोशल और लीगल इशू होगा, हम तक जब वो कंप्लेंट आएगी व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, फोटोग्राफ्स आएगी या कोई भी प्रकार की रिटर्न हमारे पास कंप्लेंट आएगी, हमें एक फ़ोन कॉल भी आएगा आधी रात को, तो हमारी पूरी टीम उनके लिए खड़ी रहेगी और हम एक ब्रिज बनेंगे पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, लोकल बॉडीज़ के बीच में, हमारा काम एक ब्रिज का होगा। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो मैं ये चाहूँगी आप लोग भी ये याद रखें, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। सर, यू वर्क फॉर द अडानी।
में आपको पता होगा वॉइस ऑफ सिटी के पहले भी बहुत सारे एनजीओ आए चल रहे हैं कर रहे हैं। सबका ऑब्जेक्टिव वही होता है कि लोगों को सर्व करना, लोगों